कुछ संक्षेप कहूं दोहराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जान्या। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, ही मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। परमात्मा ने अपनी महिमा अपने द्वारा ची सृष्टि खुद ही बतानी पड़ी। कहते पहले ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की अंडे से, पीछे से दुर्गा का शरीर परमात्मा ने अपनी सर्व शक्ति से बनाया। पहले कीन ये ज्योत निरंजन राई, पीछे से दुर्गा उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। परमात्मा ने सबसे पहले 16 पुत्रों की उत्पत्ति की थी शब्द से, ऊपर के सब ऊपर के 3 लोकों की शब्द से उत्पत्ति की, अलख लोक, आगम लोक, अलख लोक और सतलोक तीसरे नंबर का। अनामी अकै लोक में परमात्मा पूर्व ही विद्यमान थे, और सतलोक में की उत्पत्ति के बाद उसमें 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, और एक शब्द से वहां के सभी द्वीप अलग अलग स्थान उन पुत्रों के लिए बनाए थे। तो परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कबीर प्रभु ने अपने पुत्र अचिंत से कहा था, उन 16 पुत्रों में से एक का नाम अचिंत है, कि तू ये सृष्टि रच आगे की। अचिंत ने अपनी सबस शक्ति से इस अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष वहां सतलोक में बने मान सरोवर, एक अमृत सरोवर के अंदर जाकर के आनंद मगन हो गया, नहाने लगा, स्नान करने लगा, और उसी में निंद्रा आ गई, क्योंकि वहां श्वासों से शरीर नहीं है। बहुत समय तक बाहर नहीं आया, तब परमात्मा ने उसको जगाने के लिए, जल से बाहर निकालने के लिए उस अमृत तत्व को ही लेकर के, उस अमृत जल को लेकर के एक अंडा उत्पन्न किया। उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की, वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे गया, जिससे उस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की आंखें निंद्रा भंग हुई। उसने देखा कि मेरी निंद्रा किसने भंग कर दी। जैसे कोई अधूरी नींद जागता है तो उसमें थोड़ा सा दुख होता है, महसूस करता है, वो क्रोध होता है, कोप होता है। तो उस कोप से अक्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने अपनी दृष्टि से देखा तो अंडा 2 भाग हो गया। उस कोप से वो पक के बाहर फट गया, उसमें से ये ब्रह्म निकला, क्षर पुरुष निकला, ज्योति निरंजन निकला। परमात्मा ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ, अक्षर पुरुष तो निंद्रा में था, तुझे जगाने के लिए ये सब लीला करनी पड़ी, और दोनों तुम जाकर के अचिंत के लोक में, एक ही लोक में 3 रहो। तो वहां ये अकेले 3 एक लोक में रहने, एक द्वीप में रहने लगे, सतलोक में बने हुए अलग स्थान में ही एक, जैसे अलग अलग बन जाते हैं पृथ्वी के ऊपर गांव नगर बने ऐसे। तो कुछ दिनों के बाद इस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के मन में खरपतवार उत्पन्न हुआ कि अन्य सब मेरे भाई एक एक द्वीप में अलग भिन्न भिन्न रह रहे हैं, और मैं अकेला एक द्वीप में, हम एक द्वीप में 3 रह रहे हैं, मैंने, ये हमारे लिए थोड़ा स्थान है, मैं अलग से स्थान प्राप्त करूंगा, तप से राज मिलता है। 70 युग तक तप किया इसने एक पैर पर खड़ा होकर। तो जब इसने एक पैर पर खड़ा होकर के तप किया, तो हम सभी आत्मा जो आज काल के जाल में परेशान हो रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, ये इसको देखकर प्रसन्न हो गए। इसकी इस हठ योग को, एक पैर पे खड़ा होकर के तप कर रहा था, हम इसकी महिमा गा रहे थे, क्या कमाल कर दिया, देख कितने दिन हो गए, ओहो ये तो बिल्कुल कमाल कर रहा है। हम परमात्मा की महिमा छोड़ के, जो हमें सब सुख दे रहा था, हमारा वहां अमर शरीर था, कोई मृत्यु नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं था, उस अपने परम पिता कबीर भगवान से हृदय हटा करके इस ज्योति स्वरूप निरंजन के अंदर हमने अपनी आस्था जमा ली।
इस बात को अंतर्यामी परमात्मा जानते थे, कबीर जी साहब ने, कबीर परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, उस अन्य उत्तम पुरुष ने आकाशवाणी की के बच्चों तुम मत देखो इस नादान की नादानी को, इस ये तुम मत देखो इसकी तरफ ध्यान मत, तो तुम मस्त रहो और परमात्मा के गुणगान करते रहो, मेरे गुणगान करते रहो। अब हम ऊपर से तो सावधान हो गए ऐसे, लेकिन हृदय से इसकी चाह नहीं की ज्योति निरंजन ब्रह्म की, हम इसको चाहते रहे। और यही बीमारी आज हमारे है यहां पर। आज जैसे ये हीरो और हीरोइन, ये केवल नकली काम करें सारे, नकली यानी अपने सब अपने पेट भरने के रोजगार के लिए ये छटकम मटकम लटकम बटकम करते हैं और नाना प्रकार के बढ़िया बढ़िया ड्रेस बना के पहनते हैं, अच्छी कटिंग करा लेते हैं, इन्हें कौन सा रोटा लेना है, इन्हें कौन सा खेत में काम और मजदूरी करनी, इनका तो ड्रामा यही है पैसे इकट्ठे करने का। तो उसको हम मजदूर तक भी उनके उस लीलाओं को अदाओं को देख कर आहा प्रभावित होते हैं और इतने आसक्त हो जाते हैं, जैसे नौजवान बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले बेटे और बेटियां। यदि कोई हीरो या हीरोइन पता लग जाए कि हिसार में आया हुआ है, देखो इन बच्चों की वहां जाकर भीड़, लेना एक न देने दो, सारा दिन भूखे प्यासे धूलम धूल, और नोके वो खुड़ा, अरे इनको कुछ मिलना नहीं, और वो वहां से भी 20-30 लाख रुपए लेकर जाएगा और ये बर्बाद करके आओगे। तो ऐसे ही हम इस ज्योति निरंजन के ऊपर आसक्त हो गए और ये इससे कुछ मिलना नहीं, ना इससे हमने कुछ संबंध था, लेकिन वो बीमारी ला ली और वही आज तक हमारे अंदर विद्यमान है। तो इस प्रकार हम अंदर से अंदर इसको चाहने लगे। परमात्मा ने बहुत बार संकेत किया, आकाशवाणी की, हम नहीं माने। अंदर से इसको चाहते रहे, ऊपर से बुगले भगत बने रहे। परमात्मा जान गया। तीसरी बार जब इसने तप किया, 64 युग तप किया, तब इसने मांगा कि मेरे को जीवात्मा दे दो इन लोकों में। प्रथम जो 70 युग तप किया तो उसके बदले में 21 ब्रह्मांड दे दिए, और दूसरे बार तप किया तो इसको 5 तत्व दे दिए और 3 गुण दिए, और तीसरी बार तप किया तो इससे पूछा तू क्या चाहता है, तो इसने कहा मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल इन 21 ब्रह्मांडों में नहीं लग रहा। तब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी ने कहा कि भी ये मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई, क्योंकि परमात्मा ने पहले 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, फिर ज्योति निरंजन और ये परब्रह्म जब उत्पन्न हो गया, उसके बाद हम सब आत्माएं जो यहां फंसी हैं, वहां सतलोक में कबीर परमेश्वर ने अपने वचन से, अपने शरीर से हमारी बाहर उत्पत्ति की, हम वहां ठाट से रहने लगे। हमारा शरीर तेजो में एक नूर का बना हुआ था, मनुष्य सदृश शरीर था। तो हम सभी इसकी तरफ देखने लगे। तो परमात्मा ने कहा भी ये मेरी आत्मा है, मेरे बच्चे हैं, इनको मैं किसी कीमत पर किसी तप जप के कारण के प्रतिफल में नहीं दे सकता। हाँ, यदि ये सब इच्छा से कोई तेरे साथ जाना चाहते हैं तो मैं तुझे दे दूंगा, तब इनको आज्ञा दे दूंगा, जा सकते हैं। ज्योति निरंजन हमारे पास आया, हम तो पहले इसके ऊपर आसक्त थे, चारों तरफ इसको घूम गए झूम गए। इसने कहा कि मैंने पिताजी से अलग स्थान लिया, 21 ब्रह्मांड, तुम मेरे साथ चलोगे? हम तो तैयार थे, हमने कहा, आप जी ने सभी ने कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा देंगे तो हम चल पड़ेंगे। तब ज्योति नरेंद्र ने जाके सतपुरुष से बताया कि प्रभु, पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। प्रभु ने आकर पूर्ण परमात्मा ने कहा कि मेरे सामने सहमति व्यक्त कराइए। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने कहा ज्योति निरंजन से कि मेरे सामने कहो इनसे स्वीकृति कराइए। परमात्मा ने आकर पूछा भी कौन है जो इस ज्योति निरंजन के साथ इसके लोकों में जाना चाहता है, कृपा हाथ खड़ा करके सहमति दीजिए। तो उस समय कोई नहीं चस्का, क्योंकि अपने पिता के सामने सबको एक शर्म आई, बहुत दुखी हो गए और नहीं बोल पाए, अगर पिताजी के सामने कैसे कहें।
काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, तब परमात्मा ने दोबारा पूछा कि अभी कौन है इसके साथ जाना चाहता है, कि ज्योति निरंजन ये तो कोई भी नहीं तेरे साथ जाना चाहते। तब एक आत्मा जिसने सोचा कि कदे पिताजी हमें आज्ञा ना दे, उसके एकदम इलोर सी उठी खड़े हो गई, खड़ा होकर कहा कि मैं इस ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहता हूं। अब हमने जो शेष बैठे थे वहां, हमने सोचा कहीं ये अकेली ही वहां पर सारी लूट ना लूट ले रंग रह जावा, तो जो ही उसने हिम्मत की, एक ने सबसे पहले तो देखम देखा, हम सभी ने ऐसे दोनों हाथ खड़े कर दिए, मैं भी हम भी। कुछ क्षेत्र में जो आत्माएं थी उन सभी ने ऐसे स्वीकृति दे दी। तो प्रभु ने कहा भी ठीक है ज्योति निरंजन, जिस जिसने भी तेरी स्वीकृति दी है तेरे साथ जाने की, ये मेरे कंप्यूटर में इनका रिकॉर्ड आ गया है, इनको मैं अपने हिसाब से भेजूंगा, इनको मैं तू जाइए अपने हिसाब से तेरे पास भेज दूंगा। तो उस परमात्मा ने, पूर्ण परमात्मा ने सबसे पहले जिस आत्मा ने ज्योति निरंजन के साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी, उसकी स्त्री बनाई, लड़की के आकार बनाए, लेकिन प्रजनन इंद्री नहीं लगाई प्रभु ने, क्योंकि वह ज्योति निरंजन की ओर कृतघ्नता देखना चाहते थे। बाकी सब अंग लगा दिए, सतन वगैरह सब स्त्री वाले बना दिए, और उसके अंदर उसका नाम अष्टंगी प्रकृति देवी दुर्गा आदि आदि माया भी कहते हैं, आदि माया प्रकृति उसका नाम हुआ। उसके अंदर हम सभी को बीज रूप में परमात्मा ने प्रवेश कर दिया और उसको कहा कि बेटी मैंने तेरे को सबल शक्ति दे दी है और तेरे अंदर सभी आत्माएं प्रवेश कर दी है, तू अपने वचन से जितने भी जीव चाहेगी उतने ही स्त्री और पुरुष उत्पन्न कर सकती है। अपने पुत्र सहज दास को बुलाया और कहा बेटा अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़कर आ और उसको बता देना कि मैंने, पिताजी ने इस बहन के शरीर में वो सभी आत्मा प्रवेश कर दी हैं और जितने भी आत्मा तू कहेगा, जितने भी शरीर, ये उन सब के शरीर अपने वचन से उत्पन्न कर देगी। इतना कहकर के सहजदास उस अपनी बहन को लेकर के ज्योति निरंजन के पास गया और कहा कि ले पिताजी ने ये प्रकृति देवी तेरे पास भेजी है, इसके अंदर सभी वो आत्मा है जिन्होंने तेरे साथ रहने की स्वीकृति दी थी और पिताजी ने इसको सबल शक्ति दी है, जितने जीव तू चाहेगा ये वचन से बना दिया करेगी, उत्पन्न कर देगी। अब वहां इसको छोड़कर लड़की को सहज दास वापस आ गया अपने लोग अपने द्वीप में। अब वहां यहां से ये बीमारी शुरू होती है जो आजकल हम देख रहे हैं, जगह जगह बहन बेटियों के साथ बलात् होते हैं, तो यहां से काल यो मन जो है ये सबके अंदर विद्यमान है, इस काल मन निरूपी काल ने वहां ये घर गाला था। जब अकेली लड़की युवा थी, युवती लड़की को देख करके इसके मन में दोष आ गया और इसने उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, लड़की भी इसके अवभाव को समझ गई और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसको नाना प्रकार से समझाया, कहा ज्योति निरंजन तू और मैं एक पिता की संतान है, तू पहले अंडे से उन्हीं के वचन से उत्पन्न हुआ और बाद में हम सब आत्मा भी उसी परमात्मा से उत्पन्न हुई हैं और हम दोनों बहन भाई हैं और बहन भाई का ये सृष्टि क्रम अच्छा नहीं लगता, ये महापाप का भागी हो जाएगा, मेरे पास पिता की दी हुई सबल शक्ति है, मैं वचन से प्राणी उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन ज्योति निरंजन के अंदर विषय वासना इतनी समागी, इतना रजोगुण प्रभावित हो गया कि उस पर वो नहीं रुक सका, उसने जबरदस्ती करनी चाहिए तो लड़की ने सूक्ष्म रूप बनाया उसके मुंह से, जो ही उसने मुंह खोला हुआ था बदतमीजी करने के लिए, उसके मुख के माध्यम से पेट में चली गई, छोटा रूप बना के वहां से आवाज लगाई पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी इज्जत बचाओ। तब परमात्मा जान के, पता था मालिक को कि अब पता चलेगा इनको इस काल के साथ प्रसन्न होकर गए हैं, बिरानवाटी करेगा इनकी, पता था दाता को, पर नहीं माने। अब दुर्गा को और हम सबको मना किया था प्रभु ने कि तुम छोड़ दो, इस नादान की तरफ आसक्त मत हो, लेकिन हम नहीं माने थे, लेकिन माता पिता फिर भी अपने बच्चे को
कितना ही बुरा हो जाए फिर भी संभालने की चेष्टा किया करते। तो उस परमपिता को पता चला, आकाश उसने अंदर से पुकारा तो प्रभु ने अपने ही पुत्र एक जोगजीत का रूप बनाया, वहां प्रगट हुए और कहा कि जोगजीत आदेश सुन ले प्रभु का, आदेश सुन ले परमात्मा का, परमपिता का। सबसे पहले उसने जाकर के लड़की को उसके पेट से बाहर निकाला, जैसे अभी आपने शिव पुराण में देख पढ़ा था, ब्रह्मा जी ने अधूरा से अधूरा ज्ञान बताया है कि उस सदा शिव ने, ज्योति निरंजन ने, ब्रह्म ने अपने अंदर से, अपने शरीर से, अपने विग्रह से एक स्त्री की उत्पत्ति की जो त्रिदेव जननी प्रकृति दुर्गा अष्टंगी कहलाई। ये कैसे उत्पत्ति हुई, ये यथार्थ ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है जो आपको समझाया जा रहा है। तो परमात्मा सहजदास जोगजीत रूप में, जोगजीत रूप में परमात्मा ने पहले, सबसे पहले दुर्गा को उसको पेट से निकाला और फिर कहा कि ज्योति निरंजन आदेश सुन ले, आज से तेरा नाम काल होगा, 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों की गंध तू रोज खाया करेगा, 125,000 उत्पत्ति करेगा। आज से तुझे यहां से देश निकाला दिया जाता है, तुम दोनों 21 ब्रह्मांड लेकर यहां से चले जाइए। अब ज्योति निरंजन ने बहुत प्रार्थना की, मेरे से गलती होगी, माफ कीजियो। परमात्मा बोले, अब तेरा जो दोष है माफ करने योग्य नहीं है और न ही इस प्रकृति देवी का दोष माफ करने योग्य है। अब जाओ, पहले धक्के खाओ, वहां तुम खूब ये सारे तंग हो लेंगे, कुत्ते गधे सुअर बनकर, गंदी नाली के कीड़े बनकर, वहां जब कति ब्रान माटी हो लेगी, जब आऊंगा तुम्हारे पास जब पूछूंगा तुम कितने सुखी हो बेटा यहां पर, फिर ये ज्ञान सुनाऊंगा तुम कैसे फंसे और तब तुम समझ सकोगे। लेकिन एक दयालु परमात्मा ने, जब हम इसके साथ आने लगे थे, ये विचार करना, जब हम इसकी तरफ आने लगे और बहुत आसक्ति हमारी इसमें होगी, तो परमात्मा ने एक बात कही थी कि बच्चों ठीक है तुम अपने पैर पर कवाड़ा मार रहे हो और इसके साथ जा रहे हो, परंतु इस सार नाम को याद रखना, इस सार शब्द को याद रखना, वो नाम बताया था प्रभु ने हमारे को, इसको मत भूलना, इसके द्वारा तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हें वहां से छुटा लाऊंगा। अब काल भगवान ने सबसे पहले यहां आते ही वो सार नाम कति समाप्त कर दिया, वो सार ज्ञान ही नष्ट कर दिया कि कहीं इनको सार नाम याद ना रह जाए, और हमारे ऊपर ऐसा आवरण डाल दिया कि हमने एक हफ्ता पहले की बात भी याद ना रहती, सतलोक की बात याद कहां रहती, इस शरीर में, ऐसे शरीर में हमें बंद कर दिया। तो उसी समय ये तीनों, ये दोनों के दोनों 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से 16 सांख कोश की दूरी पर आकर के ये विमान इनका डट गया, 21 ब्रह्मांड यहां रुक गया। उसके बाद इस काल ने दुर्गा के साथ फिर बदतमीजी की, फिर जोर जबरदस्ती करने लगा। दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन कुछ आंख खोल ले, पहले तो तू और मैं एक पिता की संतान भाई बहन है, अब मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी पुत्री होगी, कुछ तो शर्म कर ले, कहीं तो रोक अपनी इस गंदी नीत, न पर नहीं मान्या। तब ज्योति निरंजन ने दुर्गा को के वो प्रजनन इंद्री बनाई, स्त्री योनि अपने नाखून से बनाई, शब्द शक्ति से, अपने शक्ति से बनाई और जबरदस्ती शादी करके 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। सतलोक इसने अपने ब्रह्मलोक में ऊपर सर्वोपरि स्थान पर 3 स्थान बना रखे, न्यारे न्यारे, एक रजोगुण युक्त, एक तमोगुण युक्त, एक सतोगुण युक्त, जैसे एक मकान में 3 कमरे हों। एक कमरे में साधु संत महात्माओं के चित्र लगे हों, उसमें जाते ही मन अपने आप एक सतोगुण भाव में आ जाता है। एक कमरे में शहीदों और सूरवीरों के फोटो लगे हों, देशभक्तों के फोटो लगे हों, तो अपने आप मन में जो है ना एक सूरवीरता वाला गुण अपने आप उत्पन्न होने लग जाता है। और तीसरे में अश्लील फोटो लगे हों, तो वहां अश्लील फोटो जिस कमरे में लगे हैं उसमें जाते ही मन में वही गंदे विचार सब उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो ऐसे ही इस काल भगवान ने ऊपर एक ब्रह्मांड को सर्वोपरि स्थान पर, ब्रह्मलोक के ऊपरले स्थान पर
तीन स्थान गुप्त बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान। जब ये दुर्गा और काल ज्योति निरंजन उस सतोगुण प्रधान रजोगुण प्रधान क्षेत्र में दोनों रहते हैं, उनका मन में वही एक ऐसी प्रेरणा सी बनी रहती है और वहां जो उनके द्वारा पुत्र उत्पन्न होता है वो रजोगुण बन जाता है, उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। और दूसरे स्थान सतोगुण है, उसमें जब ये दोनों रहते हैं वहां जो पुत्र उत्पन्न होता है इनसे तो उसका नाम विष्णु रखते हैं। और तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये दोनों से संतान उत्पन्न होता है उसका नाम ये शंकर शिव रखते हैं। और ये तीनों को फिर एक एक ड्यूटी रजगुण ब्रह्मा उत्पत्ति करे, सतगुण विष्णु सतीथि यानी सब मोह ममता पैदा करे और शिव सबका संहार करे, क्योंकि इसको 100,000 प्राणी नित खाने पड़ते हैं, उसके लिए इसने सारा साजबाज जोड़ रखा है। फिर इस दुर्गा ने ही अपने तीन रूप धारण किए, एक सावित्री, एक लक्ष्मी और एक गौरी, समुद्र में छुप गई। वहां से इनको संकेत किया कि जाओ तुम सागर मंथन करो, जो वस्तु मिले उसको अलग अलग पहचान करके लाना। इन्होंने सागर मंथन किया, तीन लड़कियां निकली, तीनों को अलग अलग पहचान करके लाए। पूछा पहले कौन सी निकली थी, कि सावित्री ये है, इसका नाम सावित्री रख दिया दुर्गा ने और ब्रह्मा से ब्याह कर दिया, उसकी शादी कर दी, विवाह कर दिया। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा, वह विष्णु से ब्याह दी, और तीसरी का नाम गौरी रखा, जो शंकर जी से ब्याह दी, उसको शादी कर दी। और इन तीनों से ही ये सब काल बली का, ये काल भगवान की सृष्टि प्रारंभ होगी।